आप सभी को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। आज हम मौजूद हैं अमेठी जनपद के एक ऐसे सुप्रसिद्ध माता जी के मंदिर में जिसका नाम माँ अहोरा भवानी। अमेठी जनपद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर माता अहोरा भवानी का, और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन भाव से यहाँ पर माता जी की पूजा पाठ करते हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर, और यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं। सर हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं शिव कुमार सिंह हूँ। कहाँ से आए हैं आप? तिलोई से। तिलोई से आए हैं, तो आप नवरात्र में आते हैं बराबर? निरंतर दर्शन करने आते हैं? निरंतर आता रहता हूँ। तो क्या आपने मांग की माता जी से, क्या मुरादे लेकर आप यहाँ पर? जो बगैर मांगे देती है माता जी। अच्छा, क्या रहस्य, कुछ रहस्य आप बताएंगे यहाँ का? रहस्य तो ज्यादा नहीं मालूम, ये कि पांडवों के अज्ञातवास के समय का ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। हाँ, जानकारी है। तो आप बराबर आते हैं? जी रेगुलर। आपकी मनोकामना माता जी ने पूर्ण की? सब कुछ। सब कुछ जी। चलिए ठीक है, तो यहाँ दादा है। दादा आप कहाँ से हैं? साथी में। चलिए ठीक है, हम आपको अंदर लेके चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको दिखाते हैं ये मंदिर के अंदर की तस्वीर है। और यहाँ पर जो भी अभी बताया कि पांडव काल जो पांडवों के द्वारा जो है स्थापित मंदिर था, और उसके बाद यहाँ पर जो माता जी की मूर्ति स्वयं भू प्रकट हुई है, मतलब ये किसी के द्वारा स्थापित नहीं की गई माता जी की मूर्ति। हाँ जी हाँ, प्रतिदिन सुबह दूसरा चेहरा रहता है, दोपहर बदल जाता है, और शाम के जो है वृद्धावस्था में बन जाता है। अगर देखता है तो, और नहीं देखता तो उसके लिए वही हुआ। तो आप ये बताइए कि आप इतनी उम्र में आपने कौन कौन से चमत्कार देखे हैं? इनके यहाँ बहुत चमत्कार हमने देखा। एक बता दीजिए आपने देखा हो तो, जिसके साथ घटना हो गया हो। बहुत समय पहले घटना घटी थी। क्या? कि एक आदमी आकर के अपना गला चढ़ा दिया था। गला की जीभ? गला, गला चढ़ा दिया था। गला चढ़ा दिया था इसलिए? अब कोई कारण होगा तभी तो उसने अपना गला काट दिया था। अच्छा। हाँ, सुबह सुबह आकर के मंदिर खुलने के खुलते ही पंडित लोग विद्वान जो है यहाँ के गेट खोल रहे थे, और गेट खोलने के बाद जब अंदर वो अकेले आया और अकेले आकर के अपना गला चढ़ा दिया। चलिए ठीक है, तो आपको बता दो कि यहाँ पर मनोकामना पूर्ण। अब आपको दिखाते हैं कि एक सेंटर है, यहाँ पर अभी ताला बंद हुआ है क्योंकि यहाँ पर भी लॉक किया गया, क्योंकि कारण यह ना कि नवरात्र के दिनों में लोग जो है यहाँ से दर्शन करने निकल जाते हैं अंदर के लिए, क्योंकि सीधा मनाइए कि आप कहाँ पर, आप देख सकते हैं उधर देख लीजिए वहाँ पे वो माता जी का मंदिर। हम थोड़ा कहेंगे क्लोज करके दिखाइए कि आप वहाँ पर देख लीजिए, माता जी का मंदिर है और यहीं प्रसाद की प्रक्रिया है, यहीं से जो है लोगों को मत्था टेक कर यहीं चला जाता है, क्योंकि कोरोना के बाद से ये नियम बना दिए गए, तो नियम अभी उसी तरह कायज हैं कि अंदर जो है इतनी जगह ना होने के कारण भीड़ भी लग जाती है। तो चलिए हम आपको प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा अंदर लेकर चलें। तो अभी बात हो रही है कि शायद थोड़ा अंदर आप आइए, आपको तस्वीर दिखा देते हैं, देख लीजिए। अब वहाँ पर आप देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके कहेंगे अगर दिखाना चाहें, जूम करके थोड़ा दिखा दीजिए कि तस्वीर जो है, थोड़ा आप जूम करके दिखा दीजिए। वहाँ पर आप देखिए कि माता जी का, आप देख लीजिए कि कितना सुंदर सा नज़ारा है और कितनी सुंदर दिख रही है हमारी माता जी। तो यहाँ पर लाखों लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और अजय जी ने बताया कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाएं उनकी सबकी की पूर्ण होती हैं, और नवरात्र के दिनों में तो वैसे भी यहाँ पर एक पर्व का माहौल है। चलिए हम बात कर लेते हैं, आप इस बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? मीनू दीक्षित। कहाँ की हैं आप? शिवतनगंज। तो पहली बार आप दर्शन करने हैं? कई बार आए। कई बार आ चुके। कोई आपकी मांग है, मुराद थी जो माता जी ने पूरी कर दी? जी। क्या है थी बताएंगे? ये हमारी मुराद थी, हमारे बच्चे लड़का नहीं था। हाँ। तो वही जो है अब हमारी पूर्ण हो गई। पूर्ण हो गए जी। पहली बार आप दर्शन कर रहे हैं तो उसके बाद पूरी, उसके बाद कई बार आप? कई बार आए। कई बार आए जी। विजय माता जी हैं जो दिन में तीन बार अपने रूप बदलती हैं और भक्तों को तीन रूपों में दर्शन देती हैं, ये माता जी का दिव्य स्थान है। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे भक्तगण हैं उनसे बातचीत भी करेंगे। बहुत ही शक्तिपीठ है और ये पांडव काल का स्थापित मंदिर है, और मान्यता ये है कि सच्चे दिल से आप जो भी मांगें निश्चित रूप से आपको उसकी प्राप्ति होगी। अच्छा बंटी जी, आप अपनी कोई बता दीजिए कि आपने कुछ मांगा हो आपको मिल गया हो। मैं तो सब उन्हीं का दिया हुआ है। मैं बता दीजिए, जब यहाँ हम रहने आए थे तो हमारे पास ना रहने की जगह थी, ना आप कुछ भी, आप कह सकते हैं मतलब कुछ भी नहीं था। आज जो कुछ भी है सब माता जी की कृपा से। तो आप प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं? मैं प्रतिदिन तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरा परिवार प्रतिदिन आता है नवरात्र में दोनों टाइम, और परिक्रमा लेट के भी घर से हर नवरात्र। गुरु जी आपकी उम्र भी लगभग 74 साल है जी। हाँ। कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, ये पांडवों के समय की मूर्ति है,
पांडव लोग शिकार खेलने आए थे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिंह के आवाज आई तो अर्जुन कहें अहो रव, ये कैसा शब्द? कहाँ से आए आप? हम सर आए हैं बनभरिया से। बनभरिया से आए हैं तो दर्शन करने आए थे या कोई फिर मन में मुराद थी? नहीं, मुराद नहीं थी, बस वही, बस दर्शन सिर्फ माता। क्या जानते हैं हम माता जी के बारे में? बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं क्योंकि हम रहने वाले कहीं अलग के हैं। हाँ। लेकिन इतना जानते हैं। कहाँ से पता चला कि आपको यहाँ पे दर्शन करिए तो आपकी सब मुरादें पूरी होंगी? हम काफ़ी समय से आ रहे हैं क्योंकि हमारा गांव भी बहुत दूर नहीं है, यहाँ सैदरगढ़ के करीब में है गांव जी, टीका राम बाबा धाम पड़ता है, और वहाँ से हम लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। और ये चीज़ हमने देखी है कि अगर यहाँ पे जो भी, अगर श्रद्धापूर्वक अगर आप जो भी मांगते हैं माता जी से, वो अवश्य आपकी पूर्ण होती है ना।